जमात पंजवीं विशा गणित नमूना मुलांकन पत्र। जेडे बच्चे इंग्लिश वाले हैगे ने जिन्हां कोल इंग्लिश मीडियम दे विच मैथ्स है वो भी जो है इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है जो हल है उसनों जो है जरूर वेखण, क्योंकि इस दे विच मैं पंजाबी अते इंग्लिश दोवां भाषावां दे विच जो है इस क्वेश्चन पेपर नू जो है सोल्व करांगा। जो ये नमूना मुलांकन पत्र है जमात पंजवीं विशा गणित दा, इस नू मैं जो है दोवें भाषावां दे विच इंग्लिश अते पंजाबी दोवां भाषावां दे विच मैं जो है समझावांगा। समा जो है वो 3 घंटे तुहानू एग्जाम दे विच मिलूगा ते कुल अंक होणगे 80 ते सारे प्रश्न जरूरी हन। नोट तुसी देख सकदे हो सारे प्रश्न जरूरी हन। प्रश्न 1 तो 20 तक हरेक प्रश्न 2 अंकों का है ते सही उत्तर ते ठीक दा निशान लगाओ। हां जी साढ़े कोल क्वेश्चन नंबर 1 है, दिते गए चित्र विच सब तो वध कीमत किस वस्तु दी है। जिहड़े इंग्लिश वाले ने वो इसनों इदां समझण भी जिहड़े नीचे सानू जो है फिगर्स या पिक्चर्स दिते गए ने इन्हां दे विचों सानू जो है हाईएस्ट प्राइस वाला जो है जो रेडियो है या पंखा है जा फ्रिज है जा एलईडी जो टीवी है इन्हां दे विचों सानू ये जो है दसना है भी किदा जो है प्राइस हाईएस्ट है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1, दित्ते गए चित्र विच सब तो वध कीमत किस वस्तु दी है। तां ये तां सिंपल जा जो है इदा आंसर है, देखो जिहड़ा रेडियो है वो है ₹560 दा, यानी कि ₹560 दा। ठीक है, ते जिहड़ा पंखा है वो है ₹2500, यानी कि ₹2500। ते इहदे विच असीं देख सकते हाँ कि फ्रिज अते टीवी इन्हां दोवां दे नीचे जो प्राइस वैल्यू गिवन है वो 5 डिजिट्स दे विच है। 5 डिजिट्स तो भाव की है इन्हां दे विच 5 नंबर आ रहे ने। देखो फ्रिज दे विच की है 32,500, यानी कि 32500, ये 5 डिजिट्स ने। ते टीवी दे विच भी अगर असीं देखिए 10500, यानी कि 10,500, 10,500, इट मीन्स कि 5 डिजिट्स ने। ठीक है, देखो रेडियो दे विच 3 डिजिट्स आ रहे ने, इसनों तां असीं बिल्कुल ही हटा देंगे क्योंकि जिन्ने नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे उन्नी ही जो है उस नंबर दी वैल्यू ज़्यादा हुंदी है। उस नंबर दी जो एक तरह दा ये कह सकते हाँ कि जो वैल्यू है वो उन्नी ही हाईएस्ट होएगी। 560 दे विच सिर्फ 3 डिजिट्स ने, 560, तां ये तां लोवेस्ट वैल्यू हो गई, सब तो घट कीमत हो गई। फिर पंखे की कीमत ते आने ये विच 4 डिजिट्स ने, यानी कि ₹2500, ₹2500, तां ये विच 4 ही डिजिट्स ने, 2500, तां इसनों भी असी हटा देने हैं क्योंकि सानू सब तो वध कीमत वाली वस्तु देखनी है। हुण साढ़े कोल 5 डिजिट्स वाले 2 ही चीज़ां रह गई ने, एक तो फ्रिज है ते एक टीवी है। हुण इहदे विच अगर असी देखिए तां जो फ्रिज है उहदा फर्स्ट डिजिट जो है वह 3 है। उसकी जो वैल्यू है यानी कि जो प्राइस है उसका फर्स्ट डिजिट 3 है। ते टीवी का जो प्राइस है जो उसकी वैल्यू है जो उसकी कीमत है टीवी की वो 1 तो स्टार्ट हो रही है 10,500। तो इतों ही सानू देख के अंदाजा मिल गया है भी जो फ्रिज है उसकी जो कीमत है वो टीवी तो जो है ज़्यादा है, क्योंकि जो 3 है जो फ्रिज का जो राइट साइड तो जो फर्स्ट डिजिट है लेफ्ट साइड तो जो फ्रिज का जो फर्स्ट डिजिट है 3 वो जो है ज़्यादा है। जो टीवी है उसके राइट साइड तो फर्स्ट डिजिट यानी कि 1 तो, क्योंकि 3 जो है 1 तो ग्रेटर होंदा है। तो वैसे भी अगर असी देखिए तो 32,500 10,500 तो ज़्यादा ही होंदे ने। ठीक है जी, तो क्योंकि 3 जो है 1 तो ग्रेटर है इस करके फ्रिज जो है उसकी कीमत सब तो वध है। दिते गए चित्र विच सब तो वध कीमत किस वस्तु दी है, तो तुहाड़ा सही आंसर होएगा फ्रिज दी ₹32,500, यानी कि ₹32,500। क्वेश्चन नंबर 2, सारणी अनुसार सही संख्या दसो। ये हुण असी की वेखना है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर टू है, सारणी अनुसार सही संख्या दसो। ये असी करना किवें है, देखो जिहड़ा ये 80 आ रहा है 80, ये असी जो है ये जो उपर देखो जरा तुसी देख सकते हो भी जिहड़ा ये 80 यानी कि 80 है वह 1000 के नीचे आ रहा है। ये 1000 लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे जो है ये 80 आ रहा है। इट मीनस कि असी स्टार्टिंग करनी है 80000 तो। तुसी देख सकते हो कि इत्थे 80000 वाला बस यही है क्योंकि बाकियां दे विच स्टार्टिंग हो रही है 8000, 8 लाख ते 80 लाख। जो एडे वाला है 80000, यही जो है साड़ा सही होएगा। बाकी अगे भी असी देख लैने हाँ। आई होप कि तुहानू ये समझ आ गया होना है। एक बारी मैं रिपीट कर देना हाँ, देखो ए है 80, ठीक है, तुसी इदा देखना है भी ए 80 जो है किस दे मतलब, जो देखो जिम्मे इत्थे लख लिखा हुआ है, इत्थे 1000 लिखा हुआ है, इत्थे इकाइयां लिखा हुआ है, तो 80 जो है वह किस दे नीचे आ रहा है, 1000 दे नीचे जो है आ रहा है, ठीक है, 1000 वाला जिहड़ा ये बॉक्स है वह नीचे आ रहा है। तो इट मीनस कि असीं स्टार्टिंग ही करांगे 80000 तो। ये जो है 80000 वाला इको ही ऑप्शन है, बाकियां दे विच 8000 है, 8 लाख है, 80 लाख है, तो वो इनकरैक्ट हो गए। चलो अगे भी असी देख लैने हाँ, 80000 तो चलो ठीक हो गया। हुण देखो सैकड़े दे नीचे है 8, ठीक है, इहदा मतलब हो गया 800, तो दहाई दे नीचे है 8 तो इकाई दे नीचे है 0, तो दहाई तो इकाई वाले नूं असी जो है इकट्ठे पढ़ते होंगे हाँ। इट मीनस कि ये साढ़े कोल हो गया 880, ये जो इकाइया वाला है सैकड़ा दहाई इकाई वाला ये कुल मिला के हो गया 880, तो इतने तक जो है 80000 से, ठीक है। तो साडा जो सही आंसर है वो है 80880। देखो ये बिल्कुल सही जवाब है 80880। तो एडे वाला जो आंसर है 80880 ये सही है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन दे विच की है, ये तुहानू एक तरह का कन्फ्यूज करन वास्ते दिता होया है। देखो पहले दो जो टर्म्स ने उदे विच उन्होंने मैनशन कर दिता है 1500 ते 30, ठीक है, भी 1500 नू जो है गुना करो 30 दे नाल। इसनों देख के बच्चे की करनगे कि वो स्टार्ट फटाफट जो है गुना करन स्टार्ट कर देंगे, नहीं। देखो अगला नंबर केड़ा है, वह है 0, ध्यान नाल देखना जरा। अगला जिहड़ा नंबर है वह है 0, ए नंबर जो है 0 किसी भी नंबर दे नाल अगर मल्टीप्लाई होएगा तो जो वैल्यू है वह 0 हो जाती है। अगर 0 नूं किसी भी नंबर दे नाल अगर असी गुना कर रहे हैं 1500 और 30 नूं गुना करके जो भी आएगा सानू उस तो मतलब नहीं है, पर अगर वो अंतिम जो मतलब जो गुना असी करनी है वो 0 दे नाल होनी है, तो फिर उसने जो है 1500 और 30 दे नाल गुना करके जो भी आंसर आया होएगा उसनों 0 बना देना है। तो साडा आंसर जो है एडे वाला होएगा 0, तो 0 जो है राइट आंसर है। हाँ जी, नेक्स्ट जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसनों जरा ध्यान नाल समझना, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला है। एक कार दे 4 पहिए हुंदे हन, ठीक है जी, तुसी सारे ने कार वेखी हुई है, तो इत्थे फिगर दे विच भी शो कर रखी है भी कार दे जो है 4 पहिए हुंदे हन अते एक आटो दे 3 पहिए हुंदे हन, दो कारां अते एक आटो दे किन्ने पहिए होणगे। देखो एक कार दे 4 पहिए हुंदे ने, ठीक है, इत्थे इन्होंने कहता 2 कारां। इट मीनस कि अगर एक कार दे 4 पहिए ने तो 2 कारां दे किन्ने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो इदां ही एक ऑटो दे 3 पहिए हन, इन्होंने क्या है 2 कारां, 2 कारां दे हो गए 8, ठीक है, अते अते दी जगह ते असीं की करांगे प्लस दा साइन। एक ऑटो दे किन्ने दसे हुए ने सानू पहिए, सानू पता भी है असीं वेख्या होया ऑटो, ठीक है, ऑटो दे जो है 3 पहिए हुंदे हन, फिगर च दिते भी हुए ने, दिखाए हुए ने, ठीक है। तो 2 कारां दे देखो 8 पहिए हो गए क्योंकि उन्होंने कहा सी भी एक कार दे 4 पहिए हुंदे हन, ते 2 कारां ने ते 2 कारां दे 8 हो जाणगे, ठीक है, अते एक ऑटो दे 3 पहिए हुंदे ने, फिगर दे विच भी दिखाया हुआ है। तो सानू दसना भी 2 कारां अते एक ऑटो दे किन्ने पहिए होणगे, तो 8 जमा 3 यानी कि 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, 11। तो साडा जो है उड़े वाला जो आंसर है 11, ये जो है सही होवेगा।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, सब तो वड्डा केड़ा फीता है जो 24 मीटर अते 30 मीटर दिया लंबाइयां नू पूरी तरह माप सके। देखो पंजाबी दे विच इस नू जो है महत्तम समाप वर्त्य कहिंदे हैं मेरे ख्याल तो, ठीक है, ते इंग्लिश दे विच इस नू एच सी एफ कहने हैं। इहदे विच असी 24 ते 30 दा एच सी एफ लवांगे, किवें लैणा है मैं तुहानू दिखा दिंदा हाँ। हाँ जी देखो मैं इत्थे करके दिखा दिंदा हाँ, देखो जिवें ए है 24 ते असी इस नू देखो जो ये 24 है 24 है ये क्योंकि इसका जो 4 है यूनिट डिजिट है, ठीक है, इकाई ते 4 आ रहा है तो ये ईवन नंबर है। ईवन नंबर नू जिस्त संख्या भी कहिंदे हाँ, जितने तक मैं याद है पंजाबी दे विच उसनू जिस्त संख्या किया जाता है ते ओड नंबर नू जो है टांका संख्या जो है किया जाता है, ठीक है। ओड नंबर ते ईवन नंबर दे विच फर्क की है, जड़े नंबर दो दे नाल भाग हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं उन्हां नू असी जो है ईवन नंबर कहने हाँ, जड़े मतलब दो दे नाल या फिर टू दे नाल डिवाइड नहीं होंगे उन्हां नू असी ईवन ओड नंबर या फिर टांका संख्या कहते हाँ। हाँ जी तो 24 नू टू दे नाल डिवाइड करांगे सानू मिलेगा 12, ठीक है जी। फिर असी 12 नू फिर तो डिवाइड करांगे टू दे नाल फिर सानू मिलेगा 6, फिर असी टू दे नाल डिवाइड करांगे सानू मिलेगा 3। इत्थे थोड़ा ठीक तरह लिखा नहीं जा रहा, मैं तुहानू तो अलग तो लिख के दिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 चंगी तरह रीड कर लो फिर मैं तुहानू तो जो है अलग स्पेस दे विच लिख के दिखाना हाँ। सब तो वड्डा केड़ा फीता है जो 24 मीटर अते 30 मीटर दियां लंबाइयां नू पूरी तरह माप सके। तो असी की करना है ये वास्ते, हाँ जी हूँ स्पेस इनफ है, हूँ असी इत्थे जो है अपना जो है लिख सकते हाँ। हाँ जी ए है, देखो मैं जो है ब्रश का यूज़ कर रहा हाँ तो ये विच थोड़ा जा हो सकता है कि राइटिंग की दिक्कत आए, तुसी अपना साफ सुथरी राइटिंग दे विच ही जो है अपना आंसर जो है क्वेश्चन जो पेपर है उसनों सॉल्व करना है। हाँ जी तां 24 नू 2 नाल डिवाइड करांगे ये हो गया साडा 12, ठीक है जी। फिर दोबारा फिर तो करांगे 6, फिर करांगे 2 3 जा 6 ते 3 जो है ओड नंबर है तां 3 1 जा 3। हाँ जी हुण असी इदां ही जो है देखो असी इदां ही देखो जिवें असी ए 24 दा जो है एक तरह दा मतलब जो है फैक्टर्स लिखे हैं प्राइम फैक्टर्स, इदां ही असी जो है 30 दे लिख लैने आ। हाँ जी 2 15 30 हो गया, फिर 3 5 15 हो गया ते 5 1 1 हो गया। हाँ जी हुण जरा ध्यान नाल देखना, मैं इत्थे फैक्टर्स लिख देना हाँ, 24 दे आए हैं साढ़े कोल 2 × 2 × 2 × 3। आई होप कि तुहानू ये समझ आ रहा होना है। हाँ जी इदा ही 30 दे साढ़े कोल आए हैं प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 × 5। हुण जरा ध्यान नाल देखना, असी एच सी एफ लिखना है 24 अते 30 दा, यानी कि 24 अते 30 दा। इहदे विच देखो जिहड़ा ये पहले वाला 2 है वह दोवां दे विच आ रहा है, तां एक तां एच सी एफ दे विच ए वाला जो 2 है इस नूं बाहर कर लो, जिहड़े कॉमन प्राइम फैक्टर्स है ना दोवें नंबर्स दे असी उन्होंने जो है लिख लेना है। हाँ जी एक तो जो 2 है पहले वाला वो दोवां दे विच कॉमन आ रहा सी, मैं उसनों बाहर कढ लिया है। हुण अगले वाला जो 24 दे विच प्राइम फैक्टर है वो 2 है, पर 30 दे विच अगले वाला प्राइम फैक्टर जो है वो 3 है, ये तुसी देख रहे हो ना। इट मीनस कि 24 दा जो सैकेंड वाला जो 2 है, ए वाला जो 2 है सैकेंड वाला, ये जो है नीचे 30 दे विच नहीं आ रहा। हुण तुसी इदा ही जो है 24 और 30 दे विच इदा दे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स वेखने हैं जो कि कॉमन होन, कॉमन होन का मतलब की है कि सांझे होन दोवां दे विच आ रहे होन। देखो सिर्फ एक 3 ही है जो 24 और 30 दे विच आ रहा है, एक तो पहले वाला 2 सी पहले वाला 2 सी वो असी ले लिया है, ठीक है। हुण सिर्फ ए वाला जो 3 है ना ए वाला, ठीक है, यही जो 3 है बस ये दोवां दे विच कॉमन आ रहा है दोवां दे विच सांझा है। इस तो इलावा देखो 30 दे विच जो
30 ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ 30 ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 5 ਜੋ ਹੈ 24 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 24 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਜੋ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟਾਈਮਸ 2 ਜੋ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 3 ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, 24 ਔਰ 30, ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਔਰ 3, ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਕੋਮਨ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 3 ਜ਼ਾ 6, ਤਾਂ 6 ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪ ਵਰਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 6, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਮਨ ਫੈਕਟਰ 24 ਔਰ 30 ਦਾ, 24 ਔਰ 30 ਦਾ ਇਹ 6, ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੀਤਾ ਹੈ ਜੋ 24 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 6 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਔਰ 30 ਮੀਟਰ, ਜੋ 24 ਔਰ 30 ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਐਚ ਸੀ ਐਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਹੱਤਮ ਸਮਾਪ ਵਰਤਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਐਡੇ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਕਤਾਰ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਟਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਤਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੋਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਅਤੇ ਸੱਸਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਕਤਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਟਨ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ 6 ਬਟਨ ਨੇ, 1 2 3 4 5 6, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਤਾਰ 1, ਕਤਾਰ 2, ਕਤਾਰ 3, ਕਤਾਰ 4, ਕਤਾਰ 5 ਅਤੇ ਕਤਾਰ 6, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 6 ਬਟਨ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋ 6 ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 1,6। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥਰਡ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਤਾਰ 1 ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਤਾਰ 2 ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਇਹ 6 ਬਟਨ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 6 ਬਟਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, 3 ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਤਾਰ 1, ਕਤਾਰ 2, ਕਤਾਰ 2, ਕਤਾਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਹ 3 ਕਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਮਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਟਨ 6 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ 6 ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਮਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 6 ਬਟਨ ਨੇ ਉਹ 2 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 2 ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ 2 ਜੋ ਹੈ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੌਥੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ 6 ਬਟਨ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ 3 ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਹੈ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 1, 6, 2, 3 ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਨੀਚੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ 2 ਹੈ ਜੋ ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2 ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਹੈ 6 ਹੈ 2 ਹੈ 3 ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ 2 ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ 1 ਅਤੇ 2 ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ 6 ਅਤੇ 3 ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 2 ਹੈ 3 ਹੈ 5 ਹੈ ਅਤੇ 6 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਨੰਬਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, 6, 2, 3 ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਕੱਢੇ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, 3 ਨੂੰ ਦੇਖੋ 1 ਔਰ 3 ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ 6 ਔਰ 2 ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਹੈ, 5 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਸੇ ਅਤੇ 6 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੱਸੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। 6 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ 6 ਨੂੰ ਦੇਖੋ 1 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ 6, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਅਤੇ 6 ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 1 ਦੇਖੋ 1 ਤਾਂ ਹਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 6 ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 6 ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 6 ਜੋ ਹੈ 6 ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ, 6 ones are 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ, 2 ਵੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 3s are 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੈ, 3 ਵੀ ਜੋ ਹੈ 6 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 2s are 6 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੱਸੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਿ ਗੁਣਨਖੰਡ ਇਸ 4 ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ 6 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਾ ਦਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਥਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੈਥਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ 1/3 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ 1/3 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1/3, ਠੀਕ ਹੈ, 1/3, ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ 1/3 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਊੜੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਲ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਭਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧਾ ਗੋਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਧੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੋਏਗੀ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਭਾਗ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਪਾਰਟ ਕਲਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1/2 ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 1/3 ਦੇਖਣਾ ਹੈ, 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/3, 1/3 ਹਿੱਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, 1, 2, 3 ਅਤੇ 4, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਭਿੰਨ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੋ ਗਈ ਕਲਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਫ ਜੋ ਹੈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ 1/2 ਹੈ। ਈੜੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, 2 ਅਤੇ 3, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜੋ ਹੈ ਭਾਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿੰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਲੂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ 1/3 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਈੜੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਈੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ 1/3 ਜੋ ਪਿੰਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 1/3 ਜੋ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਰੰਗੇ ਭਾਗ ਦੀ 1/3 ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 1/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1/3, ਠੀਕ ਹੈ, 1/3। ਤਾਂ 1/3 ਔਰ ਭਿੰਨ ਕੀ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ 1/4, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1/4 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਨ ਹੈ ਉਹ 1/4 ਹੈ, 1/4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 1/3 ਦੇਖਣਾ ਸੀ, 1/3 ਵਾਲਾ ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਡੀ ਵਾਲਾ, ਸੋਰੀ, 1/3, 1/3 ਪਿੰਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ ਕਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ਅਤੇ 10। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਿੰਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ, ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੋ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ 10 ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੰਗਦਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਯਾਨੀ ਕਿ 3। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 10, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 3/10 ਯਾਨੀ ਕਿ 3/10, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਨਾ ਦੇਖੋ 10 ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 3 ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ 3 ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ 3 ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ,
उस तो बाद मैं जो है 3 नू रख्या है, तो डेसीमल तो पहला इतने असी जो है 0 लगाने होंने, ठीक है जी। 0.3 यानी कि 0.3, 0 नू जो है पंजाबी दे विच सिफर किया जाता है, तो 0.3 जो है आंसर होएगा, 0.3 इधर जो है आंसर है उड़े वाला जो ए है, 0.3 जो है, ठीक है, 0.3 इधर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेठां दित्ते करंसी नोटा दा सही मूल दसो। हाँ जी, जरा इसनों असी वेख लेने हाँ। हाँ जी, जो ये पहले वाला जो नोट है वो है 2,000 रुपये का, ठीक है। अगले वाला नोट है 2,000 रुपये का, 2,000 वाले दो नोट हो गए, ठीक है, इधर मतलब 4,000 रुपये हो गए। ये जो नोट है ये है 500 रुपये का, इट मीन्स कि 4,000 दे विच अगर असी 500 ऐड करांगे वो हो जाएगा 4,500। हाँ जी, हुन लास्ट वाला जो ये नोट है ये आजकल वैसे कट ही यूज होता है, मैं तुहानू वड्डा करके साइज दिखा दिना हाँ। हाँ जी, इस ते जो है तुसी देख सकते हो ये 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपीज ये जो है मेंशन किया गया है, लिखा गया है, तो 4,500 पहले हो चुके सी, 1 रुपया ए वाला ऐड करांगे तो सानू जो है जो टोटल साढ़े को आएगा वो आएगा 4,501 रुपया, ठीक है, 4,501 रुपये। तुसी जरा ध्यान नाल देख लो, 2,000 वाले साढ़े को दो नोट हैं, इधर हो गया 4,000 रुपया, तो 4,000 के विच एक 500 का नोट ऐड करांगे ये हो जाएगा 4,500, फिर एक 1 रुपये का नोट ऐड करांगे तो हो जाएगा 4,501 रुपये, तो जो ये सस्ते वाला जो आंसर है ₹4,501 यानी कि 4,501 रुपये ये जो है सही आंसर होवेगा, ठीक है जी। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है, रमन 500 रुपये लेके दुकान ते गया। देखो 500 रुपये उन्होंने नोट दे मतलब जो 500 रुपये है वो नंबरां दे विच मेंशन नहीं किया होया है, उदा नोट बना के दिखाया होया है, तो इसका भी तुसी ध्यान रखना है भी नोट नू चंगी तरह देखना है भी वो किड़े मतलब जो है प्राइस नू जो है दर्शा रहा है। रमन 500 रुपये लेके दुकान ते गया, ओहो हेठां दिखाइया गई वस्तुआं खरीदना चाहता है, ओहो इन्हां रुपयां नाल केड़ी केड़ी वस्तु खरीद सकता है। देखो एक गल नोटिस करो कि रमन कोल किन्ने रुपए ने, 500 रुपए ने, ठीक है, तो इतने ना हुन नीचे जरा देखना जो चीजा हैगिया ने ऑप्शंस दे विच, रमन कोल 500 रुपए का एक नोट है असी देख लिया है, हुने फिगर दे विच देख लिया है, ठीक है। हुन इतने जरा ये परस है ना ए वाला, इसनों जरा ध्यान ना देखो, इधर जो प्राइस है वो ₹800 है, 800 रुपये का ये परस है, यानी कि अगर रमन को 500 रुपये हैं वो कभी भी जो है इस परस नूं तां खरीद सकता ही नहीं है। तो तुसी एक गल नोटिस करना, जड़ा ये एडे वाला है, ठीक है, इधर विच भी जो ये जवाब दिते गए ने किताब बोतल ते परस, ठीक है, इधर विच एडे दे विच भी परस आ रहा है, फिर ईडी वाला जड़ा जवाब है उधर विच भी परस आ रहा है, सस्से वाला जड़ा जवाब है उधर विच भी जो है परस आ रहा है, तो जड़े परस वाले जड़े जवाब हैगे ना वो तो पहला ही ये समझ लो कि रोंग हो गए, क्योंकि रमन कोल हैगे ही 500 रुपये हैं और 800 रुपये का परस है, वो खरीद ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। हाँ जी, हूँ सिर्फ जो है ये उड़े वाला जड़ा आंसर है ना, बोतल जो कि 150 रुपये की है, किताब जो कि 100 रुपये की है, 150 ते 100 हो गया 250, तो ये जी आइसक्रीम है 50 रुपये की, 250 ते 50 ये हो गए 300, तो 500 के विचों अगर 300 की आइटम अगर असी परचेज करनिया है या रमन ने परचेज मतलब कि खरीदनिया है तो वह तो हो सकती है, ठीक है, 500 चो 300 की खरीदारी तो हो सकती है, पर 500 रुपये के नोट के नाल 800 रुपये का परस नहीं खरीदया जा सकता, तो एडे ईडी और सस्से के परस जो है एक नाल ऑप्शन के तौर पर दिता होया है, तो ऐड़ा ईडी ते सस्सा ये तो पहला ही रोंग हो गए। जड़ा ऊड़े दे विच जो ये 3 चीज़ा मैंशन कीतियां हुई ने, बोतल जो कि 150 की है, किताब जो कि 100 रुपये की है, तो आइसक्रीम जो कि 50 रुपये की है, ये 3 चीज़ा रमन जो है 500 रुपये के नाल, ये 3 चीज़ों का जो टोटल है जो कुल जो प्राइस है कीमत है वो 300 रुपये है, ये तिना वो जो है खरीद सकता है रमन, तो तुहाडा जो सही जवाब है ऊड़ा है बोतल किताब ते आइसक्रीम।
क्वेश्चन नंबर 11 नू देखते हैं। समझो अते दसो। हाँ जी, ये जो है इन्ना कोई टफ नहीं है, बस इसनों असी जो है थोड़ा जा ध्यान नाल जो है इस क्वेश्चन नू करना है। देखो, इन्हां ने सानू जो है, मैं इसनों जरा थोड़ा जा नीचे कर लेना फिगर नू। हाँ जी, साढ़े कोल जो है इदा के दो कप्स है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है भी दो कप्स का जो जमा है, यानी कि दो कप्स में अगर ऐड कर देने हैं तो वो जो है एक गिलास के बराबर है। तो इन्होंने नीचे सानू दिता है भी तीन गिलास में अगर असी जमा कर देने हैं तो वो जो है एक जग के बराबर है। तो नीचे इन्होंने मैंशन कर दिता है भी जो एक कप है ये वाला, ठीक है, यदि जो मतलब कैपैसिटी कैपैसिटी मैं तुम्हें करवाया सी, ठीक है, कैपेसिटी होंदा है भी इस कप दे अंदर किन्नी किन्ना जो है पानी कह सकते हो, तुसी कॉफ़ी कह सकते हो, चाह कह सकते हो, वो जो है असी इस दे विच पा सकते हाँ। तो ये समझ लो हाले मैं तुहानू जो मतलब चाह होंदी है, चाह का एग्जाम्पल ले लैंदे हाँ। तो इस कप दे अंदर ये जिहड़ा कप है इसकी जो कैपेसिटी है वो जो है 200, ये जो लिखा है ना मी और ली, इधर मतलब होता है मिलीलीटर, ठीक है, 200 मिलीलीटर है। इस कप के अंदर 200 मिलीलीटर जो है चाह आ सकती है, ये इन्होंने मेंशन कर दिता है। तो सानू पूछा है भी ये जो जग है इस दे अंदर जो है या फिर इस दे अंदर किन्ना जो है चाह आ सकती है, ये सड़क को पूछा है। तो हूँ असी करना की है, जरा ध्यान नाल देखना। हाँ जी, इस कप दे विच 200 मिलीलीटर जो है 200 मिलीलीटर जो है चाह आ सकती है। हुण ये जो दो कप हैं ए वाला ते ए वाला, ये जो है इस गिलास दे बराबर है। इदा मतलब कि इस कप दा 200 200 हो गया इस कप दा, ठीक है, ते 200 हो गया दूजे कप दा, यानी कि ये जो एक गिलास है ए वाला गिलास ये 400 मिलीलीटर दे बराबर है। 400 ml इंग्लिश दे विच असी इसनों ml लिखते हैं मिलीलीटर नू। हाँ जी, तो 200 एक कप का हो गया, 200 दूसरे कप का हो गया, तो एक इट मीनस कि जो ये ग्लास है वो 400 मिलीलीटर के बराबर है। हुण नीचे सानू की दिता गया है भी देखो असी ना एक ग्लास का जो कैपेसिटी है, ग्लास की जो कैपेसिटी है वह कढ़ ली है 400 मिलीलीटर, ठीक है। तो नीचे सानू दिता गया है भी ये जो जग है ये जग तीन गिलासा के बराबर है। इट मीनस कि अगर एक गिलास 400 के बराबर है, दूजा गिलास हो गया 400 का, ठीक है, इवें ही तीसरा गिलास हो गया 400 का, इहदा मतलब ये होया भी जो ये जग है वो 400 जमा 400 फिर 400, ठीक है, 400 जमा 400 हो गया 800, ते 800 जमा 400 हो गया 1200। इट मीनस कि ये जो जग है ना ये 1200 मिलीलीटर के बराबर है। इस जग दे विच 1200 मिलीलीटर जो है असी जो है चाह जो है पा सकते हैं। इस जग की जो कैपेसिटी है वो 1200 मिलीलीटर है, यानी कि 1200 मिलीलीटर है। हुन असी जो है इसी जग की कैपेसिटी दसनी सी, सानू पता चल चुकी है कि वो 1200 मिलीलीटर है। हुन नीचे जरा जो ऑप्शंस दिते गए हैं ना सानू, जरा उसमें ध्यान नाल समझना। नीचे सानू ऑप्शंस दिते गए हैं, उड़े दे विच है साढ़े कोल 500 मिलीलीटर तो घट, तो साढ़े कोल तो आंसर आया है 1200 मिलीलीटर, तो जोड़ा ये उड़े वाला है ये तो रोंग हो गया, ठीक है। इतने सानू दिता गया ना 500 मिलीलीटर तो घट, साढ़ा तो आंसर आया है 1200 मिलीलीटर, ठीक है। अगला ऐड़ा की है 500 मिलीलीटर अते 1 लीटर के विचकार। देखो जिन्हों नहीं पता है भी 1 लीटर की होंगे है, मैं दस देना हाँ, 1 लीटर के 1000 मिलीलीटर होंगे ने, 1 लीटर के 1000 मिलीलीटर होंगे ने, ठीक है। इहदा मतलब ये हो गया भी ऐड़ा जो है वो 500 मिलीलीटर अते 1 लीटर का मतलब है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 500 अते 1000 मिलीलीटर के विचकार नहीं, साढ़ा तो आंसर जो है 1200 आया सी, तो वो तो 1000 तो ज़्यादा है, तो ये भी जो है रोंग है। हाँ जी, हुण ईडी दे विच की दिता गया है 1 लीटर अते 2 लीटर के विचकार। हुण 1 लीटर नू असी रीड करना है 1000 मिलीलीटर, ते 2 लीटर नू असी रीड करना है 2000 मिलीलीटर। हुण देखो जिहड़ा 1000 ते 2000 है इहदे विचकार ही 1200 आऊगा ना, समझ रहे हो, 1000 मिलीलीटर ते 2000 मिलीलीटर दे विचकार ही 1200 मिलीलीटर आऊगा, ठीक है। ते तां करके साडा जो आंसर है वो ईडी वाला होएगा, ये सही है, क्योंकि 1200 जो है वो 1000 ते 2000 मिलीलीटर दे विचकार ही आंदा है, ठीक है।
ਤੇ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 2 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ 1200 ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ 2000 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 2000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ ਮੱਗ ਦਾ। ਮੱਗ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਈ ਹੈ 1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ 1200 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਅਤੇ 2000 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1200 ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ 1200 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1000 ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 955 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 1500 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਐਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ DIS। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ DIS। ਮੈਂ ਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ DIS ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਂਸਰਸ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਬ੍ਰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਦੂਰੀ 955 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ DH ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, DH। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ 955 ਮੀਟਰ, 955, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਟਰ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 1500 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ 1500 ਮੀਟਰ। ਫਿਗਰ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ DIS ਇਹ ਜੋ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੋ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ DH ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ 955 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 1500 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 1500 ਮੀਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਔਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਦੂਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 955 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ 1500 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ
उन्होंने देखो तुहानू उलझाण वास्ते ना 2 किलोमीटर देता है। हुण कई बच्चे देखणगे दो है सिर्फ, भी सिर्फ टू है, तो ये तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, भी ये साड़ा आंसर नहीं हो सकता, जबकि सही आंसर यही है। क्यों? क्योंकि दो दे नाल उन्होंने मैंशन किया है किलोमीटर, इतने 955 दे नाल जो है मीटर है, स्मॉल एम है, गुरुद्वारे की जो दूरी है वह है 1500 मीटर, जो है स्मॉल एम लग्या हुआ है, जबकि जो डिस्पेंसरी है उसकी दूरी है 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर, ठीक है, स्कूल तो। हुण 1 किलोमीटर के बीच होंगे हैं 1000 मीटर, इट मीनस कि 2 किलोमीटर का मतलब है 2000 मीटर, क्योंकि जो असं 2 को 1000 मीटर के नाल गुना करांगे साढ़े को आंसर आऊगा 2000, यानी कि 2000। इट मीनस कि जो डिस्पेंसरी है वो स्कूल तो सब तो ज़्यादा दूरी पर है, 2000 मीटर की दूरी पर है, 2000 मीटर की दूरी पर है। असी कन्फ्यूज़ नहीं होना है KM यानी कि किलोमीटर नू देख के, किलोमीटर दे विच 1 किलोमीटर दे विच 1000 मीटर होंगे हैं, तो डिस्पेंसरी की जो एग्जैक्ट दूरी है वो 2000 मीटर है स्कूल तो गुरुद्वारा साहिब की जो दूरी है वो 1500 मीटर है, धर्मशाला की जो दूरी है वो 955 मीटर है, तो ये दूरियाँ जो है डिस्पेंसरी की दूरी तो छोटिया ने, ठीक है। तो स्कूल तो डिस्पेंसरी के बीच 2000 मीटर का दूरी है या डिस्टेंस है, तो साड़ा आंसर होएगा डिस्पेंसरी। इन्होंने साढ़े को पूछा सी जेकर तुहाड़े स्कूल तो तुहाड़े पिंड की डिस्पेंसरी की दूरी 2 किलोमीटर, पिंड की धर्मशाला की दूरी 955 मीटर और गुरुद्वारे की दूरी 1500 मीटर है, तो इन्हां विचों तुहाड़े स्कूल तो सब तो वध दूरी किसकी है, तो साड़ा आंसर होएगा जी डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी की दूरी 2000 मीटर है, सब तो ज़्यादा दूरी है। हाँ जी, उड़े वाला साड़ा जो है आंसर है डिस्पेंसरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तक ते अंकित किता कौन केड़ा कौन है, देख सकते हो तुसी। देखो इंग्लिश दे विच मैं तुहानू समझाया होया है जिहड़ा ये सम कौन हुंदा है, इसनों असी राइट एंगल कहने हैं। देखो ये ना रेड कलर दे नाल जो ये पुस्तक है, इनकी किताब है, ये देख सकते हो तुसी, ए वाला ते ए वाला, ठीक है। इन्हां दो रेड लाइन्स दे विचकार जो ये इन्होंने एंगल बनाया होया है ए वाला, ठीक है, ये सानू दसना है भी ये केड़ा कोण है, ठीक है। पुस्तक ते अंकित कीता कोण केड़ा कोण है, सम कोण हुंदा है 90 डिग्री का, राइट एंगल, ठीक है, सम कोण हुंदा है 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला राइट एंगल। हाँ जी, न्यून कोण हुंदा है जिदा माप जो है 0 डिग्री अते 90 डिग्री दे विच होए, यानी कि जो 90 डिग्री तो छोटा हुंदा है ते 0 डिग्री तो वड्डा हुंदा है, उसनों असी कहने हाँ न्यून कोण, 0 डिग्री अते 0° to 90° लिख देना। हाँ, 0 to 90° दे विचकार वाला जिहड़ा हुंदा है कोण, उसनों असी जो है न्यून कोण कहने हाँ। अधिक कोण केड़ा हुंदा है, 90 डिग्री तो 180 डिग्री दे विचकार जिहड़ा कोण हुंदा है उसनों असी जो है अधिक कौन कहने हाँ। सस्सा है इन्हां विच्चों कोई नहीं, तो सस्से नूं तां छोड़ ही दो, न्यून कौन अधिक कौन नहीं है इहदा जवाब, उहदा रीज़न की है। देखो सानू ना, मैं फिर तो तुहानू दिखा दिंदा हाँ, ए वाला जो दो रेड लाइन्स ने इस पुस्तक के उपर, जिहड़ी दो रेड लाइन्स बनिया हुई ने, ते मैं एरो दा निशान करके तुहानू दिखाया है, ए एरो दा निशान जिस तरफ नूं जो है आ रहा है, ठीक है, इन्हां दो रेड लाइन्स के विचकार जिहड़ा कोण है सानू वह दसना है। देखो जिहड़ा एक लाइन अगर इदा है, एक लाइन अगर इदा है, मैं फिर तो देखो ये इस तरह एक लाइन है तो एक लाइन अगर इस तरह है, ठीक है, तो ये जिहड़ा कोण हुंदा है ना ये जो है 90 डिग्री का हुंदा है, इसनों असी इंग्लिश दे विच राइट एंगल कहने हाँ, पंजाबी दे विच असी इसनों सम कोण कहने हाँ, ठीक है, 90 डिग्री का हुंदा है। इट मीनस साडा जो आंसर है ए वाला जो कोण है, पुस्तक ते अंकित कीता कोण केड़ा कोण है, साडा आंसर होएगा 90 डिग्री का, यानी कि सम कोण जिहड़ा ये उड़े वाला है साडा आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14, केड़ी कड़ी दियां सुइयां नाल बनिया कोण न्यून कोण नहीं है। देखो मैं तुहानू हुणे समझाया है भी न्यून कोण केड़ा हुंदा है, जिदी वैल्यू 0 डिग्री ते 90 डिग्री दे विचकार हुंदी है, यानी कि जो 90 डिग्री तो छोटा हुंदा है। न्यून कोण नू जिहड़े इंग्लिश वाले बच्चे हैं असी एक्यूट एंगल कहने हाँ, जदों मैं तुहानू पढ़ाया होया है 7th चैप्टर उहदे विच एक्यूट एंगल पढ़ाया होना है, एक्यूट एंगल यानी कि जो 90 डिग्री तो, यानी कि 90 डिग्री तो जिहड़े छोटे वाले कोण हुंदे हैं, एंगल्स हुंदे हैं, ते 0 डिग्री तो वध हुंदे हैं, ठीक है।
जीरो ते 90 डिग्री दे विचकार वाले जिहड़े भी एंगल्स होंदे हैं जां कोण होंदे हैं उन्हां नूं असीं न्यून कोण कहिंदे हाँ। हाँ जी, तां 90 डिग्री देखो मैं तुहानूं हुणे समझा दित्ता, इस तों पहले वाले एग्जाम्पल जां क्वेश्चन दे विच असीं कीता है भी जो सम कोण है जां राइट एंगल है उह की हुंदा है। ठीक है, हुण इहदे विच असीं न्यून कोण देखणा है। तां देखो जरा ध्यान नाल देखना, मैं फिगर्स एक बारी तुहानूं थोड़े लार्ज करके दिखाना हाँ। इत्थे ना जरा ये चीज जरा नोट करना, जिथे मैं ये हरे का निशान बनाया है देखो ये जड़िया दो सुइयां ने ना, एक तो एक घंटे वाली सुई है तो एक मिनटा वाली सुई है। सानू जो है इन्हां दो सुइयां के विचकार जो एंगल बन रहा है उसनों देख के दसना है भी वो न्यून कोण। देखो साड़ा जो क्वेश्चन है ना उन्होंने ये नहीं पूछा भी न्यून कोण बन रहा है, उन्होंने पूछा न्यून कोण नहीं बन रहा है, केड़ी घड़ी दियां सुइयां नाल बनिया कोण न्यून कोण नहीं है। सानू ये देखना है भी इन्हां चार फिगर दे विचों न्यून कोण जो है वो किस फिगर दे विच या फिर किस घड़ी दे विच नहीं बन रहा है। तां उहदे वास्ते असीं की करांगे, देखो मैं तुहानूं ये समझाया होया है भी जिस तरह साढ़े कोल ना जिवें ये है देखो 90 डिग्री वाला कोण असी हुणे इस तों पहले वाले क्वेश्चन दे विच समझिया है, इसनों असी 90 डिग्री वाला कोण कहने हाँ। एक मिनट सरा, ये जड़ा होंदा ना ये 90 डिग्री वाला कोण होंदा है, जिवें एल फिगर होंदा है ना, एल अल्फाबेट होंदा है ए बी सी डी दे विच, तां ये जो होंदा है ना विचकार इसनों असी 90 डिग्री कहने हाँ। एक मिनट सरा, ये जो है 90 डिग्री वाला कोण होंदा है। ठीक है, हुण असी की देखना है भी न्यून कोण नहीं है, इट मीनस कि वो जो है 90 डिग्री तो ज़्यादा होएगा। तो देखो हुण जिहड़ा ये ऐड़ा है ईड़ी है सस्सा है इन्हां दे विच ना ये जिहड़ा घंटे ते मिनटां वाली जिहड़ी सूई है, एक तां ये देखो एक ये देखो, एक मिनट जरा ये देखो ठीक है, ते एक ये देखो इन्हां दे विच ना जिहड़ी घंटे और मिनटां वाली सूइयां ने ठीक है ऐड़े ईड़ी ते सस्से दे विच, इन्हां दे विच देखो अगर तां ये बिल्कुल इदां हुंदियां ठीक है फिर तां असीं कह देंदे भी इन्हां दे विचकार 90 डिग्री दा कोण है, पर ये जो है आपस दे विच ये सूइयां जो है 90 डिग्री तो घट कोण बना रहियां ने, तां ए वाला हो गया ए वाला हो गया ते ए वाला हो गया, ये तां तीनों न्यून कोण हैगे ने। जिहड़ा ये ऊड़े वाला है ना इहदे विच देखो ये अगर सुई इत्थे तक होंगी ठीक है छे ते होंगी, तो देखो अगर ये सुई ना इत्थे होंगी तो इत्थे तक तो 90 हो गया ये। ठीक है, ओहो देखो ये इत्थे तक तो ये 90 दे आसपास बनता है, ये सुई जो है हुण ये 90 नूं भी क्रॉस करके इत्थे तक ये 8 ते चली गई है। ठीक है, 8 ते चली गई है, तां साडा जो है ना ये न्यून कोण नहीं है ए वाला उड़े वाला, ये साडा अधिक कोण है 90 डिग्री तो भी ज़्यादा है, 90 ते 180 दे विचकार आ रहा है, तां ये साडा अधिक कोण है, ये ना तां सम कोण है ना ये न्यून कोण है, ये अधिक कोण है यानी कि ओबट्यूज एंगल असीं उसनूं कहने हाँ। देखो इस क्वेश्चन ते काफ़ी मैं टाइम लगाया है ताकि तुहानूं चंगी तरह समझ आ सके, पर अगर तां भी मैं तुहानूं अगर नहीं समझा पाया तां नीचे कमेंट दे विच जरूर दस देना, मैं कोई ना कोई होर मैथड दे नाल समझाने की कोशिश करांगा। हाँ जी, हुण ए वाला ते ए वाला ठीक है, ऐड़ा ईड़ी ते सस्सा इन्हां तीनों दे विच जिहड़े कोण बन रहे ने ये 90 डिग्री तो छोटे ने, मतलब कि ये न्यून कोण हैगे ने। जिहड़ा ये ऊड़े वाला है ये जो है ये 90 डिग्री तो ज़्यादा है, तां ये जो है न्यून कोण नहीं है, तां साडा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा सी साडे कोल केड़ी घड़ी दियां सुइयां नाल बणिया कोण न्यून कोण नहीं है, तां साडा ऊड़े दा जो है जो ऊड़े वाला जो फिगर है वो साडा आंसर होएगा भी इस घड़ी दियां जिहड़ी सुइयां ने जिन्हां दे विच जो है एक जो सुई है घंटे वाली वो 3 दे आसपास पहुंची हुई है। ठीक है, ते दूजी जिहड़ी मिनटां वाली सुई है वो 8 दे उपर है यानी कि 8 दे उपर है, तां इहदे विच जिहड़ा कोण बन रहा है वो न्यून कोण नहीं है वो अधिक कोण है, क्योंकि
जो इत्थे जो कोण है वो 90 डिग्री तो भी ज़्यादा बन रहा है, तो उसनों असी न्यून कोण तो कह ही नहीं सकते, वो अधिक कोण है, वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो उड़ा जो है साड़ा सही आंसर है। तो इस कड़ी दी सुइयां जो है न्यून कोण नहीं बना रही ने।